अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 403 असाइनमेंट नंबर 1, जिस जो लास्ट डेट है 13 नवंबर है। ठीक है, 13 नवंबर तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगा कि ये असाइनमेंट आपने किस तरह से मतलब यानी कि सबमिट करना है। ठीक है, पहले होता था कि अपलोड की जाती थी असाइनमेंट, अब ये वाली जो असाइनमेंट है CS 403 के अपलोड नहीं होगी, बल्कि जैसे हम GDB पेस्ट करते हैं ना, वैसे पेस्ट करेंगे आप लोग बना के। ठीक है, अब बात करते हैं इस असाइनमेंट में कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनानी थी। ठीक है, और देन फिर ये डाटा फ्लो डायग्राम है आपकी। ठीक है, ड्रा एंड इन्वेस्टिगेट डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, ये देखें क्वेश्चन नंबर। इसके अंदर से आपने डायग्राम बनानी है और दूसरे नंबर पे आपने क्रॉस मैट्रिक बनाने हैं। ठीक है, एक क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में भी मौजूद है, अगर आप यहाँ सर्च करेंगे तो इस तरह का होता है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक। ठीक है, आज हम ये भी बनाएंगे और साथ में आपको डायग्राम भी मैंने बना ली है, वो भी आपको दिखाऊँगा, आप लोगों ने देख के एज इट बना लिए। ठीक है, और अगर आप लोग मतलब यानी कि मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाते, किसी रूफियत की वजह से पेड बेसिस पे बनवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03446731 5। ठीक है, 9761 5 राइट भी कर देता हूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट बनवाना चाहे तो बनवा सकता है 03446731 5। इस पे रब्ता करके आप जो है वो असाइनमेंट बनवा सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी एक्यूरेट असाइनमेंट जो है वो आपको बना के दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्राम की, तो डायग्राम आपकी कुछ तरह से है। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है उसके आपको डायग्राम बनाना होगी। ठीक है, अब डायग्राम के भी फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने इस डायग्राम को बनाना है, कहाँ पे बनाना है। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जनाब आपकी डायग्राम है। ठीक है, इसमें रेड कलर की मैंने ID मेंशन की हुई है ताकि कॉपी पेस्ट ना करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर उनके मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए ये रेड कलर की जो ID हाईलाइट की है, इसको छोड़ के बाकी सारी आपकी असाइनमेंट है जो कि ब्लू कलर में है। ठीक है, रेड कलर को आपने इग्नोर करना है, ये ID मेंशन की गई है, वो भी कॉपी पेस्ट से बचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मजीद क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक इस तरह से आपके बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, डायग्राम कहाँ पर बनानी है, कैसे बनानी है, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो है वो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ये टिक मार्क आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए अगर आप यहाँ पे ढूंढने लगेंगे तो यहाँ पे सैम्पल में मौजूद हैं, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जस्ट अपने हैंड आउट से इनको कॉपी कर सकते हैं इस तरह से, और वहाँ पर जाके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स आपको यहाँ से इस मतलब टेबल को बनाने के मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप डायग्राम बनाएंगे ये वाली। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 की है, के भी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल आपकी असाइनमेंट जो है वो कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है। ठीक है, और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के हैं और 10 आपके क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अब बात करेंगे डायग्राम के बारे में, तो डायग्राम के लिए मैं जो टूल यूज़ करता हूँ वो है draw.io। इस टूल पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डायग्राम को बनाना है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, इसकी मदद से आप अपनी डायग्राम बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, सारा कुछ टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये डेटाबेस होती है। ठीक है, ये जो मैंने बनाई है ना, डेटाबेस बनाई है, यहाँ पर क्लाइंट की DB है, हेल्पर की DB है और सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जो है वो आप लोगों के लिए ये है कि आपने किस फॉर्मेट में ये इमेज जमा करवानी है। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा और फिर आपको समझ आएगी कि आपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। ये देखें, सर ने आपको अलाउ किया GPG फाइल, PNG फाइल, BMP फाइल और साथ में GIF फाइल भी हो सकती है, JPG फाइल भी हो। ठीक है, तो मैं मोस्ट रिकमेंडेड करता हूँ आप PNG फाइल करें। ठीक है, तो कैसे सेव करेंगे, जब आपने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे
एक्सपोर्ट पे, ठीक है। इम्पोर्ट होता है बाहर से चीज़ को अंदर लेके आना किसी वेबसाइट के, और एक्सपोर्ट मीन होता है किसी वेबसाइट से बाहर ले जाना चीज़ को, ठीक है। हम बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, PNG पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेंगे कि क्या वाकई आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जूम साइज यही होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ लेंगे, ठीक है। हम कहेंगे जी हाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फिर वो आपसे पूछेंगे डाउनलोड करना चाहते हैं या जस्ट एडवाइस के ऊपर सेव करना है। तो यहाँ पर आप अपनी आईडी लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि अभी मैं लगा रहा हूँ BC123, ठीक है। जैसी आपकी आईडी है, .png आपका हो गया ये पाथ, ठीक है। फिर आपने डिवाइस के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। जहाँ पर भी रखें याद रखना है, वहाँ से आप लोगों ने इसको अपलोड करवाना है, ठीक है। आपकी ये तो होगी आपकी डायग्राम, जहाँ से आपने LMS के ऊपर वहाँ पे ऑप्शन होता है, सर ने आपको बताया हुआ है फाइल के अंदर। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन फाइल में जाएंगे, अगर आप पिक्चर मतलब अपलोड करना चाहते हैं, जूम आउट कर लेते हैं या सॉरी जूम इन, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे इसकी मदद से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाली जो आपको वहाँ पे मिलेगी ना, क्या कहते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन की मदद से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे GD टेस्ट करते थे वैसे ही आपको ये असाइनमेंट सबमिट करनी है, ठीक है। और यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने टेबल बनाना है। आप MS वर्ड में बना के भी इसको पेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये देखें ना, मैंने बनाया हुआ है, आपने वो डायग्राम तो रख ली, ठीक है। वहाँ पे आप सीधा यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पिक्चर है, यहाँ पे आप डिवाइस पे जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके ने डायग्राम डाउनलोड करके रखी है, वहाँ से उसको उठाएं, यहाँ पेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। और देन फिर आपका क्रॉस मैट्रिक्स भी यहाँ पे बना होगा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंट्रोल ए का बटन दबाना है, कंट्रोल सी करना है, ठीक है। और जहाँ पे आपकी असाइनमेंट है, वहाँ पे जाकर कंट्रोल वी दबा के आपने सबमिट कर देना है, जैसे GDB सबमिट करते थे वैसे ये असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवा देनी है। और लास्ट में फिर से आपको बता दूँ कि अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, खुफियात की वजह से असाइनमेंट नहीं बना पा रहे, तो CS के तमाम असाइनमेंट मैं पेड सर्वर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कुछ बनवाना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भी माने अपना ख्याल रखिएगा।